सिवनी मालवा के विधानसभा क्षेत्र में तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री और क्षेत्र के विधायक रहे सरदार सिंह के समय क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ गया था। यह जाल प्रत्येक गांव को गांव से जोड़ता हुआ शहर की ओर आया, जिसके कारण सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को सड़कों के इस जाल से आसानी से पहुंच मार्ग होने के कारण गाँव गाँव शहर से जुड़ गए, जिससे कि आना जाना सुगम और सरल हो गया था। वही आज बरसों हो गए इनका रखरखाव ठीक से नहीं होने के कारण आज यही सड़कें जर्जर अवस्था में हैं। हम आपको आज भिलाड़ी से लेकर हरपालपुर होते हुए कपरिया मार्ग के वह रास्ते बताएंगे, जिनमें दिनों नवरात्रि उत्सव के दौरान हजारों देवी भक्त पैदल यात्रा करके इन्हीं मार्गों से होते हुए सलकनपुर धाम पहुंचते हैं। यही नहीं, इसी मार्ग पर ग्राम भिलाड़िया के पास पड़ने वाली पुलिया भी इतनी जर्जर स्थिति में है। इस पुलिया पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस पुलिया के ऊपर से दिन भर में सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, जिसमें रेत के अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली, बिहाराउ से ट्रैक्टर तक पहुंचने वाले अनाजों से भरे हुए ट्रक के अलावा भी भारी वाहन निकलते हैं, जिसके कारण यह पुलिया कभी भी धराशायी हो सकती है। इस पुलिया में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, या यूं कहें कि लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारी एक बड़ी दुर्घटना का शायद इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक यादव है। ये भिलाड़िया गांव की पुलिया है, जी नदी है ये वाली जिससे निकलती जी, ये नाला है तोरनिया के पास से निकलता। अच्छा, है इस पुल की क्या स्थिति है? सर, इस पुल की स्थिति ये है कि ये पिछले 3 महीनों से क्षतिग्रस्त है, और यहाँ पे हमारे यहाँ से भोपाल को बस जाती थी, वो भी 3 महीनों से बंद है, जब से ये पुल बंद है। वो बस अभी इधर धर्मकुंडी से भोपाल सीधी जाने लगी। शिकायत करी है कि पुल क्षतिग्रस्त हो गया? सर, इसकी शिकायत तो हो चुकी है शायद हमारी पंचायत के सदस्यों द्वारा। अब मैं बाहर रहता हूँ तो मुझे इसकी जानकारी है नहीं। अच्छा, कभी मान लो इस पुल पे कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया, कोई भरा बड़े वाहन भी निकलते होंगे, तो कभी भी ये आशंका बनी रहती है कि इस पुल पे क्षतिग्रस्त की कोई इसका डर तो इसका डर और संभावना तो हमेशा ही बनी रहती है। जैसे बाहरी वाहन, कोई भी रेत की ट्राली या कोई ट्रक या अनाज का वाहन, का बड़ा वाला वाहन जाए तो समस्या ही है। अभी जैसे अभी कटाई और इस पुल से कितने वाहन निकलते हैं, कोई बड़े वाहन निकलते हैं? इस पुल से तो हमेशा ही बड़े वाहन निकलते हैं, जैसे रेत की ट्राली है, हार्वेस्टर है, किसानों के अनाजों के वेयरहाउस के लिए मूंग की ट्राली है, अनाज की ट्राली है, निकलती है रोज का ही है, कंटिन्यू ही निकलना ही है यहाँ पे। सिवनी मालवा से संतोष चंदेल की रिपोर्ट।